और 6743 जाति में बांट कर ही काम नहीं चला, इनको भी नीचे ऊपर कर दिया गया है, तुम इनसे छोटे हो, तुम इनसे छोटे हो। और ये कथित तौर पर लोगों ने इसलिए किया है कि बहुजन समाज की आबादी इस देश के अंदर बहुत है, अगर ये आपस में भाईचारा बना लेगी, अगर ये संगठित हो जाएगी और ये आपस में एक दूसरे के साथ बैठ जाएगी, तो ये संगठित होगी तो इनके अंदर शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है और शक्ति से शासक बनते हैं। तो इसलिए आप लोग इकट्ठे ना हो पाए, इसके लिए आपको जातियों में बांटा गया है। इस तरह इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को जातियों में बनाया। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब बनी, तब लोगों को इसका एहसास हुआ कि हम बहुजन समाज के लोग हैं, क्योंकि ये मानवर कांशीराम साहब ने जो 6743 जातियों में बटे लोग हैं, जो आज एससी एसटी और ओबीसी के नाम से जाने जाते हैं, और अल्पसंख्यक समाज के लोग और पीछे और अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर लोग, यानी बहुजन का मतलब होता बहुत जन लोग, यानी सर समाज के गरीब किसान मजदूर एससी एसटी ओबीसी सभी को मिलाकर बहुजन समाज बनाकर बहुजन समाज पार्टी बनाई है। लेकिन इससे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको एससी एसटी ओबीसी बनाया, तो एससी में 1500 जातियां हैं और एसटी में 1000 जातियां हैं, क्योंकि ये सूची बनी थी जातियों की, जो जातियां शैक्षिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी थी, तो अंग्रेजों के जमाने में बाबा साहब के प्रस्ताव के कारण इस देश के अंदर साइमन कमीशन बना। उस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट तैयार की तो उसमें जो सूची बनी, तो 1500 जातियां जिन्होंने उस सूची में नाम लिखाया जो मैदानी क्षेत्रों में रहती थी वो अनुसूचित जाति कहलाई, और ऐसी 1000 जाति जो पहाड़ों पे और जंगलों पे रहती थी उन जातियों को हमने अनुसूचित जनजाति कहलाई, वो एसटी कहलाई। और जिन जातियों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना और उस सूची से बाहर हो गए वो ओबीसी कहलाए। लेकिन साथियों, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें तीन भागों में बांटा। हमें इस देश के अंदर मनुवादियों ने 6743 जातियों में बांटा, इतने टुकड़ों में बांटा और 62000 उप जातियों में बांटा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने प्रयास के कारण हमको तीन वर्गों में बांट दिया, एससी एसटी ओबीसी, और तीन वर्गों में बांटकर, और साथियों हमारे लिए सिर्फ उन्होंने ये वर्ग ही नहीं बनाए, एससी एसटी ओबीसी उनके लिए योजनाएं बनाने का काम किया कि ये जो 6743 जाति में बटे हुए लोग हैं ये आपस में लड़ते हैं और जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं, ये कभी पढ़ लिख नहीं पाते, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तो पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, और आपको वोट डालने का अधिकार दिलाया, वरना इस देश के अंदर बेगारी करते थे, बंधुआ मजदूर बन के रहते थे, तो बंधुआ मजदूरी और बेगारी प्रथा को खत्म करने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। ये मानवीय जिंदगी देने का काम अगर इस देश के अंदर बहुजन समाज को किसी ने दी है तो वो साथियों किसी भाग और भगवान से नहीं मिली है आपको, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी। इसलिए साथियों आज सब लोग जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर लोग हैं, अगर आप मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, आप अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका दल बन चुका है बहुजन समाज पार्टी, जिसको आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर दल मजबूत होगा तो बल होगा, और जब बल होगा तो समस्याओं का हल होगा। तो इसलिए साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको ये बनाया, लेकिन इससे पहले हम इस देश के अंदर किस नाम से जाने जाते थे, जो 6743 जातियों में बटे हुए लोग थे, या तो इनको हम दबे और पिछड़े कहते थे, या शूद्र अति शूद्र कहते थे, या इनको दलित और शोषित कहते थे, इस तरह से इन नाम से जाने जाने वाले लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक पहचान दी और उनको संरक्षण देने का काम किया। लेकिन साथियों जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये संरक्षण हमारे लिए लेके आए और हमें संयुक्त निर्वाचन लेके आए, आपको पता है कि 24 सितंबर कल था और 24 सितंबर को पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हुए, और उस कार्यक्रम में
पूना पैक्ट का धिक्कार दिवस मनाया गया, यानी पूना पैक्ट को धिक्कारा गया, तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि उस पूना पैक्ट में क्या था। पूना पैक्ट में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों से लड़के लंदन से जो हमारे लिए फल भरी टोकरी लाए थे, जो हमारे अधिकार लाए थे, जो हमारे लिए मान सम्मान इज्जत से जीने का अधिकार लाए थे, और जो संयुक्त निर्वाचन जो हमारे ऊपर थोपा गया, हमें अलग से पृथक निर्वाचन था कि एससी के लोग, एसटी के लोग और ओबीसी के लोग, ये अपने अपने लोग चुनाएंगे जो विधानसभा में विधायक बन के जाएंगे, सांसद बन के जाएंगे, लेकिन उनको चुनेगा कौन? पृथक निर्वाचन था अलग से, वो जाति के लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग अपना अपना विधायक चुनेंगे, अपना अपना सांसद चुनेंगे, लेकिन इनकी संख्या कम होगी। कम थी उस समय संख्या, लेकिन ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी, कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी, तो साथियों गांधी जी ने जो अधिकार हमें 17 अगस्त 1932 को मिला था, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन कर दिया और अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी, अंग्रेजों ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी, लेकिन गांधी जी अंग्रेजों से सहमत नहीं हुए, तो अंग्रेजों ने कहा जाओ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बात करो। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं माने, उन्होंने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया और 4 दिन फिर उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। फिर वो बाबा साहब के साथ पास गए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप क्या चाहते हैं, अगर आप ये नहीं करते हैं तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा और मेरी जीवन तुम्हारे हाथों में है। बाबा साहब सोचने लगे कि मेरा समाज तो अभी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, ना वो आर्थिक रूप से मजबूत है, ना उसकी कोई उसके पास घर है, ना मकान है, पहले हमारे लोगों के पास कोई पक्के मकान भी नहीं होते थे। तो बाबा साहब चिंतित हुए कि अगर ये खत्म हो गए तो ये पूरे देश के नेता हैं, ये इनकी पहचान है, अगर किसी तरह के दंगे होंगे तो हमारे निहत्ते लोग मारे जाएंगे। इसलिए बाबा साहब मजबूर हुए और वो पूना पैक्ट हुआ, और वो पूना पैक्ट हुआ इसलिए उसको 24 सितंबर को कल के दिन, जो पीछे का कल के दिन था साथियों, उस दिन धिक्कारा जाता है कि ये धिक्कार है कि गांधी जी ने अपने दांव लगाकर, अपने जीवन दांव लगाकर, और हमारे वो फल भरी टोकरी थी उसके फल का पूरा रस निचोड़कर और उसके छिकले को बाबा साहब के मुंह पे मार दिया। तो साथियों आपको पता है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के अंदर मानवता की लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1952 में जब चुनाव लड़े, तो साथियों बाबा साहब को ही उस चुनाव के कारण जो पृथक निर्वाचन खत्म कर दिया और संयुक्त निर्वाचन थोप दिया, उसके कारण बाबा साहब को उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने जीतने नहीं दिया। 52 का चुनाव हारे, 54 का चुनाव हारे और बाबा साहब को हराने का काम किया। लेकिन इससे पहले 1946 में बाबा साहब को कांग्रेस ने सारे खिड़की और दरवाजे बंद करके और बाबा साहब को कहीं भी जीतने नहीं दिया। लेकिन जब इस देश का संविधान बनना था तो संविधान बनने के लिए बाबा साहब को कहीं ना कहीं सदन का सदस्य बन के आना था, तो बाबा साहब को जैसोर और खुलना क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां के चंडाल बरादरी के लोगों ने और साथियों मुस्लिम लीग के लोगों ने वहां से बुलाया और जैसोर और खुलना से बाबा साहब को जिताने का काम किया। जब ये बात गांधी को, कांग्रेस के लोगों को पता पड़ी कि बाबा साहब जीत गए, 1946 में वो जीत के आए, उनको संविधान मसौदा कमेटी में जाना था, इसलिए कि ये शर्त थी कि वो किसी ना किसी विधान परिषद से जीत के आए। लेकिन गांधी जी ने जब देखा कि बाबा साहब जीत गए और ये तो अब संविधान मसौदा कमेटी में आ जाएंगे, तो साथियों उनको रोकने के लिए 1947 में माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हो गया, भारत के 2 टुकड़े हो गए, तो उसमें ये शर्त रखी गई कि जो क्षेत्र मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर होगी वो पाकिस्तान में चली जाएगी, और जहां 50% से कम अगर मुस्लिम आबादी होगी तो वो भारत में रहेगी। लेकिन जहां से बाबा साहब जीते थे वहां हिंदुओं की आबादी 58% थी और मुसलमानों की आबादी 42% थी, और शर्त के मुताबिक वो क्षेत्र को भारत में रहना चाहिए था, लेकिन गांधी जी बाबा साहब को संविधान में आने से रोकने के लिए, मसौदा कमेटी में आने से रोकने के लिए कि कहीं ये इतना बड़ा योग्य आदमी जो अंग्रेजों से बात रखकर अपनी आ जाता है, अंग्रेज हमारी बात नहीं मानते, इनकी बात मान लेते हैं, तो साथियों इसलिए
गांधी जी ने उनको पाकिस्तान में कर दिया। बाबा साहब पाकिस्तान लाहौर गए, उधर की राजधानी, और लाहौर में जाके अपना इस्तीफा दिया और ये कहा कि मेरे लोग भारत में रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहकर क्या करूंगा। इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रखा, तो अंग्रेजों ने जब ये बात कही, क्योंकि भारत के लोग क्या करते हैं, भारत के लोग कोई काम, उस समय के जो हालात थे, तो साथियों इन्होंने संविधान बनाना था, तो तमाम दुनिया के विद्वानों से बात की, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई विद्वान नहीं था। वो जानते थे विद्वान कि भारत में इतना बड़ा विद्वान है, उससे बड़े विद्वान तो हम नहीं हैं। इसलिए जब भी ये लोगों ने किसी दुनिया के विद्वानों से बात की संविधान बनाने की, तो वहां के विद्वानों ने कहा आपके पास तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। इसलिए साथियों मजबूरी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फिर इन्होंने जैसे पूना से एक एडवोकेट जयकर, जो कांग्रेस के विधानसभा के सदस्य थे, उनकी साथियों सीट खाली कराई गई और एडवोकेट जयकर की सीट पर बाबा साहब को जिताने का काम फिर किया गया। इस तब कहीं जाकर बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो इस देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोगों की सूची में आ गए थे, ओबीसी के लोग, जिन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि आने वाले समय में जिन भाइयों ने सूची में नाम लिखा दिया, अनुसूचित जाति हो गए, जिन भाइयों ने पहाड़े और जंगलों के लोगों ने नाम लिखा दिया वह जनजाति हो गए, आने वाले समय में जब इनको ये सुविधाएं मिलेंगी जो मैं व्यवस्था बना रहा हूं, तो आगे आने वाले समय में बैकवर्ड के लिए उम्मीद सोचेंगे कि हमको ये व्यवस्था चाहिए है, तब ये समझ में आएगा इनको। तो बाबा साहब ये जानते थे कि अगर इनके लिए कोई नियम और कानून नहीं बना, तो इनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होगा कि ये अधिकार अपने लिए ले लें। इसलिए बाबा साहब ने संविधान बनाते समय 340 अनुच्छेद बनाया, उसमें प्रावधान कर दिया इस देश के पिछड़े वर्गों के लिए कि आने वाले समय में इस देश का राष्ट्रपति एक आयोग बनाकर इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को भी एससी एसटी की तरह और इनको आरक्षण देकर इनको भी शासन और प्रशासन में जाने की इनका रास्ता खोलने का काम किया। तो आज जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला है, तो साथियों ये पिछड़े वर्गों का आरक्षण बाबा साहब के जिंदा रहते हुए 1953 में जब बाबा साहब का 50 में संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद 53 में काका कालिलकर आयोग बना और साथियों वही काका काल आयोग जाकर 78 में मंडल कमीशन के नाम से बना और साथियों इस यो कमीशन तो बने लेकिन कांग्रेस के लोगों के हाथ में बागडोर रही, लेकिन कांग्रेस के सरकारों ने कभी भी पिछड़े वर्गों को उनको ऊपर उठाने के लिए जो बाबा साहब के द्वारा योजना दी गई थी उसको कभी भी लागू करने का काम नहीं किया, उसको हमेशा कचड़े में डालने का काम किया। क्योंकि कांग्रेस के लोग ये देख रहे थे कि जो एससी के लोग कल तक परेशान थे और जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे आज पढ़े लिख कर आगे हो गए हैं, अब वो अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं और ये एसटी के लोग भी करने लगे हैं, अगर बैकवर्ड के लोगों को भी जल्दी मिल गया तो ये लोग भी करने लगेंगे, तो कांग्रेस घबराती रही और उन्होंने उनकी फाइल को दबाते रखा। लेकिन जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, तो बहुजन समाज पार्टी 84 में बनने के बाद जब 85 में पहला चुनाव लड़ा और उसमें साथियों इस देश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की ताकत